हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 38। क्या कह रहा है? एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ स्क्वायर बेस एंड द वर्टिकल साइड सो एज टू कंटेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि उसके अंदर कितना वाटर है उसकी क्वांटिटी गिवन है, यानी कि वॉल्यूम गिवन है उसका। सो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ leaning with lead will be least if depth is made half of width। यानी कि अगर इसका जो गहराई है, depth जो है half of width, इसके चौड़ाई क्या half होगा, तो इसका expansion जो होगा, यानी कहने का मतलब यहां surface area की बात हो रही है, वह सरफेस एरिया जिसका टॉप से खुला है, ये ऐसा टैंक है जो ऊपर से खुला है, यानी कि फोर वॉल्स और बॉटम, यही आपको देखना है, तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब डेप्थ जो होगा हाफ होगा इसके विड्थ के, तब ये पॉसिबल है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक उस तरह का टैंक बना लेते हैं जिसका स्क्वायर बेस है, ठीक है ना जी, स्क्वायर बेस दिखे वैसा हम लोग एक यहाँ पे टैंक बना लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर बेस वाला एक हम लोग यहाँ पे टैंक बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका स्क्वायर बेस वाला हमने यहाँ पे एक टैंक बना लिया। तो जब स्क्वायर बेस है तो ये जो फॉर्म हुआ ये क्यूबाइडल हो गया, तो इसका लेंथ को एल और ब्रेथ भी एल ही लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर बेस वाला है, और इसको हम लोग एच से डिनोट कर लेते हैं, वॉल्यूम इसका भी ले लेंगे और सरफेस एरिया को एच से डिनोट कर देते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं कि लेट एल एच बी एंड एस बी द लेंथ ऑफ बेस, और एच क्या है यहां, हाइट है, भी क्या है, वॉल्यूम है ना, एंड एस क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक रेस्पेक्टिवली ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम देख लेना, पहले कह रहा है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें, अच्छा यानी कि वॉल्यूम इसके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये है भी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ टैंक ये कोई कांस्टेंट दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए आप यहां पे जानते हैं क्या हो जाएगा, तो एल इंटू में एच इक्वल टू में भी, यहां से एच का वैल्यू भी बाई एल स्क्वायर नहीं कर सकते एज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, यहां पे बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, तो टैंक जो है ऊपर से टॉप से खुला है, तो इसका सरफेस एरिया से डिनोट करेंगे जो कि क्या होगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस का एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बेस है तो, और प्लस में फोर वॉल्स का L into H यहाँ पे, यानी कि 4LH हो जाएगा। अब यहाँ H का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो S इक्वल टू में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का 4L, और यहाँ पर आप यहाँ लिख दो H की जगह पर V बाई L स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हो रहा है, यहाँ से 1L से 1L कैंसिल हो जाएगा, तो S इक्वल टू में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का 4V/L, 4V ध्यान रख रहे हैं आपका कॉन्सेंट है। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू L, L के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds बाई में dl आ जाएगा, वह हो जाएगा 2L और माइनस का 4V/L स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट को, यहाँ पे इसके लिए क्या लेते हैं, ds बाई dl इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा आपका 2L माइनस का 4V/L में L स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 2L इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 4V/L में L स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इस 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक है ना जी, एक काम करते हैं, तो इधर आ जाएगा ये L क्यूब और इक्वल टू में 4V और y में 2, यहाँ ये 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ से यानी आपका यहाँ आ जाएगा L क्यूब इक्वल टू में 2V, है ना जी,
इसी पे चेक करेंगे बाद में, उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा। एज ए इक्वेशन चाहो तो इसको सेकंड रख सकते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमारे पास ऊपर डी एस बाई में डी एल बराबर में है ऊपर 2L माइनस का 4B बाई एल स्क्वायर। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू L, तो L के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर एस बाई में डी एल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ 2 और प्लस का 4B, 4 टू 8 आ जाएगा आगे, 8B बाई में L क्यूब आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, है ना, एट एल क्यूब इक्वल टू में 2B क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं आप, डी स्क्वायर एस बाई में डी एल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस का 8B, एल क्यूब की जगह 2B, ये कट जाएगा आपका कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, यानी कि 6 आ गया जो कि 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम एट एल स्क्वायर एल क्यूब इक्वल टू में 2B। अब एक काम करते हैं, भी जो हमारे पास ऊपर था उसको रख देते हैं, ऊपर क्या था, भी इक्वल टू में क्या था, याद है आपको, भी इक्वल टू में ऊपर क्या था, एल स्क्वायर एच था, यही ना था जी, तो एल क्यूब इक्वल टू में 2 इंटू में एल स्क्वायर एच, एल स्क्वायर को इधर लाते हैं तो एल क्यूब बाई में एल इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू में 2H। चलिए तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल 2H के इक्वल है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच जो होगा एल बाई 2 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना, यही ना मैं दिखाना था कि जो आपका हाइट जो होना चाहिए, हाइट वो क्या होना चाहिए, वेथ का हाफ होना चाहिए, है ना जी, तब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। यही ना मैं प्रूव करना था, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चलिए समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट